दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं इंडिया द ऑर्बिट हेरिटेज। आज आपको दिखाते हैं रोवर रेंजर डेजर्ट ट्रैकिंग सीवर जैसलमेर में जिला कलेक्टर महोदय नमित मेहता के उद्बोधन के कुछ अंश। उद्बोधन में आपको इन शब्दों के साथ के लक्ष्य नहीं, जिनके जीवन का वो ऐसे ही रह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते दरिया में बह जाते हैं, तो से आपकी सुंदर सी आई होने जा रही है। और ये कहा इन्होंने कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तत्व ताज हासिल नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक बार पुनः सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, नवीन जी मेहता साहब जिला कलेक्टर महोदय से, कि आप अपना उद्बोधन आशीर्वाद प्रदान करें आदरणीय जिला कलेक्टर। आदरणीय मोहंती सर, स्टेट चीफ कमिश्नर राजस्थान राज्य स्काउट गाइड के, जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे स्काउट गाइड से, उनका पवन जी का जो कमिश्नर नगर परिषद है, जितने रेंजर्स एंड रोवर्स मेरे सामने हैं, आज आप सब लोग, मेरा ये फर्स्ट इंस्टेंस है सर जब मैं स्काउट्स के साथ रेंजर्स रोवर्स के साथ यहाँ पर कभी कोई इंटरेक्शन हो रहा है, पर बड़ा अच्छा लग रहा है जिस प्रकार से अभी सर भी आप लोगों को बता रहे थे और मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। मेरा कभी रेंजर से और स्काउट के साथ कोई कनेक्शन कभी रहा नहीं, मैंने खुद ने कभी कहीं स्काउट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, पर आज मुझे ज़रूर ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ अच्छी चीज़ अपने लाइफ में मिस कर दी। अभी सर जब आप इंट्रोडक्शन ले रहे थे यहाँ पर, तो कुछ बच्चे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से थे सर, तो मैं भी वहीं का स्टूडेंट हूँ। जोधपुर विश्वविद्यालय से भी मैं देख रहा था कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रखे हैं जो आगे पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जितना मैं समझ पाया हूँ कि इतनी कम उम्र के अंदर जब आप जीवन के उस पड़ाव पर है जहाँ आपको अपना करियर शेप करना है, वहाँ पर आप डिसिप्लिन लाइफ जीने के आदि हो चुके हैं। और जीवन में कुछ भी आप करेंगे, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि बिना डिसिप्लिन के आप किसी भी फील्ड में कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो जैसा सर कह रहे थे कि भाई आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, वो सब चीज़ें तो है ही पूरा और वो दिखती भी है। और साथ ही साथ जो डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन के साथ आप इस उम्र के अंदर जब दूसरे बच्चे हो सकता है कहीं पर समय खराब करते हैं या उनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, तो मेरी मतलब मुझे आप लोगों को देख के बहुत उम्मीद जग रही है कि आप जैसे बच्चे अगर भविष्य में देश में होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप खुद के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे और आने वाला जो आपके समय हो वो बहुत अच्छा हो। साथ ही इस प्रकार के जो ट्रैक्स आप करते हैं, ये जो 50 किलोमीटर के और 5-5 दिन के जो ट्रैक है, ये ट्रैक न केवल फिजिकली आपको मजबूत बनाएंगे या फिजिकली आप ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, पर एज ए टीम जो आप 50-100 लोग जब एक साथ जब ट्रैक पे जाएंगे तो जीवन पर्यंत के जो आपके एक जो इन 5 दिनों में जो दोस्ती जो रिश्ते आपके आपस में बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि आप जीवन पर्यंत इस दौरान जो आपकी दोस्ती और यारी होगी वो हमेशा रहेगी और जीवन के हर पड़ाव में एक दूसरे के आप काम आने की आपकी सोच और भावना रहेगी। तो सर मैं आपको और आपकी ये जो पूरी संस्था, ये जो पूरी स्काउट का जो एक फैमिली है सर, उसको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी उम्मीद है सर कि ये बहुत अच्छा करें अपने लिए भविष्य में और अपने देश के लिए। और साथ ही सर आपकी परमिशन से अब प्रशासन कभी कुछ अच्छे समाजोपयोगी कुछ कार्य करेगा सर, तो हम स्काउट्स को, रेंजर्स को, रोवर्स को जरूर उसका पार्टिसिपेशन करवाएंगे सर और उनकी जो कॉम्पिटेंस को यूज करेंगे। अगेन आप सबको बहुत इलेक्शन पास दें, अभी जो चुनाव हुए थे रिसेंटली, तो चुनाव के अंदर सर के निर्देशों से और आप सब ने बहुत उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन किया। अभी कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था पोलिंग बूथ के ऊपर जाने? बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप लोगों ने बेटा जो चुनाव में काम किया और तुमने देखा होगा टेलीविजन में जिस दिन वो चल रहा था वोटिंग, लगातार स्काउट 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 गाइड स्काउट गाइड आता था, इसको जयपुर में सबने इसकी सराहना करी है। तुमने जो है ना ओल्ड पीपल है, कोई अपाइज है, जो भी है, इनको ले लेके आए और कोई गाँव के अंदर कोई पहाड़ में कोई सिरोही पता नहीं कहाँ का हर जगह से फोटो आ रहा था, इट्स अ वेरी गुड वर्क आपने कहा है, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, और इस तरह आप करोगे आगे चलते भी बड़ा बड़ा काम करोगे। सो आई जस्ट वांट लेट्स सो थैंक यू सुनो आज इसमें रोवर और रेंजर रेंजर ट्रैकिंग सीट के उद्घाटन समारोह में आप सबका हार्दिक आभार प्रदर्शित करता हूँ और आप इतने दूर से पधारे, समय अभाव है आपके पास, फिर भी ये आपने बच्चों को आशीर्वाद दिया,
ये बच्चे आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और याद करेंगे, धन्यवाद देते हैं और इस मौके पर अमूल्य समय निकाल के कलक साहब पधारे, धन्यवाद। ऐसे अनेकों वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख सकें। जय हिंद।